और उसकी बुनियाद पर तफसीली डिस्कशन हुई, और डिस्कशन करने के बाद जो कुछ फैसले वज़राए तालीम ने किए वो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूँ कि जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी जब उनकी बीमारी की शरह बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी ने भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायजा लेके नया लाए अमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। जहाँ तक बाकी सूबे थे, वफाकी हुकूमत, वफाकी इलाका पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो हैं वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे।